2022 बिल्कुल सामने है, सभी के मन में बहुत आशाएं होंगी, उम्मीदें होंगी। आने वाला वर्ष कैसे आपको प्रभाव देगा, क्या संभावनाएं बनेंगी आप लोगों के लिए, उसी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। आने वाला वर्ष कैसे आपको प्रभाव देगा, ये सारी चीजें बताने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत आशाएं करती हूँ, बहुत बधाइयां देती हूँ कि वर्ष 2020 आपके जीवन में बहुत सफलता, समृद्धि, हर तरह की संपन्नता लेकर के आए। जो भी तकलीफें रही हूँ आपकी बीते वर्षों में, वो सारी दूर हूँ और 2022 आपके जीवन का बहुत ही यादगार वर्ष साबित हो। ये वीडियो मैं कन्या लग्न राशि वालों के लिए बना रही हूँ। आप लोग अपने राशिफल को लग्न और राशि दोनों से ही सुनेंगे तो परिणाम आपको बहुत स्पष्ट और करीब तक पता चल पाएगा। और जो भी व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं, आप लोग भी चैनल से जुड़िए और अपना सपोर्ट इसी तरह से आगे भी बना करके रखिए। बहुत सपोर्ट मिला है आप लोगों का, इसके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप सभी लोगों को। 2022 कैसे आपको प्रभाव दिखाएगा, इसके लिए मैंने जो गणनाएं की हैं उनमें सभी बड़े ग्रहों को इन्वॉल्व किया है, गुरु, शनि, राहु और केतु, क्योंकि एक एक राशि में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं और इन्हीं का प्रभाव अधिक पड़ता है। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी आने वाले वर्ष में, उनके ऊपर इन्हीं चार ग्रहों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके लग्नेश बुध हैं, उनको भी कैलकुलेशंस में लिया है। ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियां बन रही हैं, आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किस ग्रह की चल रही है, उन चीजों के ऊपर भी परिणाम काफी हद तक निर्भर करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके लग्नेश बुध हैं, इनकी शुरुआत आपके लिए क्या देने जा रही है। देखिए, जो आपके लग्नेश बुध हैं, 2022 जनवरी का महीना जैसे शुरू होगा, तो ये 14 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी का जो टाइम पीरियड है, आपके मकर राशि में, आपके फिफ्थ हाउस में ये वक्री स्थिति में रहेंगे। ये जो समय रहेगा आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा। परिवार के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें होना, कुछ प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, व्हीकल, घर के अंदर की जो चीजें होती हैं उनकी प्राप्तियां कहीं ना कहीं आपके लिए होंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। और साथ में आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका व्यवसाय है, वहां पर वृद्धि के योग आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम पीरियड का आपको फायदा लेना चाहिए, 14 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी का टाइम पीरियड। इसके बाद 4 फरवरी से लेकर के 6 मार्च का जो टाइम पीरियड है, बुध आपके फिफ्थ हाउस में ही मार्गीय स्थिति में चलना शुरू करेंगे। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए हरी तरह से लाभ देने का काम करेगा। आपके बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। शेयर मार्केट, इन सबों से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित कर होंगी। बड़े भाई बहनों से, गवर्नमेंट से, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। कुछ लोगों का जो पहले से चला रहा संबंध है, वहां पे काफी मजबूती देखने को मिलेगी। जो भी लोग अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जितने भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये बुध काफी लाभ करवाएंगे। कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा। इस तरह की स्थितियां आपके लिए बुध यहाँ पर देंगी, 4 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक का टाइम पीरियड। इसके बाद 6 मार्च से लेकर के जो 24 मार्च का टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपके लग्नेश बुध आपके छठवें भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। तो ये जो समय रहेगा, यहाँ पर आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, और सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य की रखनी है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की स्थितियां आपके लिए सामने आ सकती हैं। इसके प्रति आप बहुत सजग रहिएगा, लेकिन विदेशों से आपको लाभ करवाएंगे, कुछ खर्चों के योग निर्मित होंगे। 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा आप सावधानी के साथ में चलिएगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहस, ये सारी चीजें नहीं करनी है। यात्राएं आपके लिए खर्च देने का काम कर सकती है। यात्राओं में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके बाद 24 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, आपके बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, लग्नेश होकर के आपके सातवें भाव में आएंगे। यहाँ पर आपके लिए हर एक तरह से जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। कार्य व्यवसाय में आपकी वृद्धि देंगे। जीवन साथी के साथ में काफी अच्छे आपके संबंध बनेंगे।
आप स्वयं काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे, लोगों की दृष्टि में आप आ जाएं, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बने, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित करेंगे बुध। आपके लग्न स्थान को देखेंगे, काफी बौद्धिक रूप से आप काफी सक्षम रहेंगे, बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। ये टाइम पीरियड आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा है। जिनमें लोगों का व्यवसाय है, बिजनेस है, जो लोग कोई व्यापार करते हैं, वहां पे काफी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। इसके बाद 8 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल का टाइम पीरियड स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ड्राइविंग वगैरह आप करते हैं तो काफी संभाल करके करिएगा, चोट चपेट लगने के योग रहेंगे। हालांकि अचानक धन प्राप्ति के योग भी निर्मित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी लोग ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, या किसी भी तरह का अकल्ट का विषय है, जो भी गूढ़ विषय होते हैं, चाहे रिसर्च हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र है, डॉक्टर्स हो, इस तरह का कुछ भी व्यवसाय जो कि बहुत गहरे तक जाकर के करना होता है, बहुत डीप सब्जेक्ट्स होते हैं, उन लोगों के लिए तो लाभप्रद स्थितियां निर्मित रहेंगी। अदरवाइज बहुत से लोगों की लाइफ में जो आपका जॉब है, प्रोफेशन है, उसमें थोड़ा सा कुछ अचानक से बदलाव, परिवर्तन, ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपका सावधानी रखने वाला समय होगा 8 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक का। थोड़ा आप लोग अपनी सेहत का, अपने व्यवसाय का, प्रोफेशन का ध्यान रखते हुए चलिएगा। हालांकि कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग, पैतृक संपत्ति का लाभ, ये सब चीजें आपको होंगी। लेकिन जॉब में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है और आपके स्वास्थ्य में, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ये टाइम पीरियड आप संभाल करके निकालिएगा। फिर 24 अप्रैल से लेकर के 10 मई का जो टाइम पीरियड है, काफी अच्छी स्थिति रहेगी। आपके बुध लग्नेश होकर के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। जब बुध आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो ये काफी अच्छी स्थिति रहेगी। 24 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक का टाइम पीरियड, यहाँ पर आपके लिए हर एक तरह से लाभ होगा। आपके कार्य व्यवसाय की वृद्धि होगी, भाग्य का पिता का आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कुछ काम करते हैं, किसी तरह के रिसर्च के फील्ड में हैं, या कहीं फॉरेन जाना चाह रहे हैं, कहीं दूर स्थान की यात्राएं करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। 24 अप्रैल से 10 मई का समय जो है, भाग्य पिता, इन सभी चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता की लाइफ में कुछ अच्छी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। पिता के साथ आपका जो संबंध है उसमें एक मजबूती आएगी। हर एक तरीके से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। एक्चुअली आपके लिए भाग्यवश चीजें आपके पक्ष में जाएंगी, ऐसी स्थितियां रहेंगी, आप काफी भाग्यशाली हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का लाभ मिलेगा, यात्राएं आपके लिए लाभ देने वाली हो जाएंगी। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। छोटा सा ही ट्रांजिट रहेगा आपके लिए 24 अप्रैल से लेकर के 10 मई का। इस समय में आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य कर लेने चाहिए। इसके बाद 10 मई से लेकर के पूरा 4 जून का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश बुध भाग्य भाव में ही वक्री होंगे। तो ये समय आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में निकालिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कार्य क्षेत्र की चीजों को लेकर के थोड़े से सावधान सजग होकर के रहिएगा। वहां पे किसी तरह का उतार चढ़ाव, सडन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बनेगी और अचानक से कुछ पैतृक संपत्ति, इस तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं। फिर भी प्रोफेशन को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। फिर 4 जून से लेकर के 2 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, 4 जून से लेकर के पूरा 2 जुलाई तक का टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके भाग्य भाव में आपके बुध मार्ग स्थिति में आएंगे। एक अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्य का पिता का सबका सहयोग मिलना शुरू होगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपका प्रोफेशन है, वहां पे आपके लिए स्थितियां आपके सपोर्ट में जाएंगी। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, एजुकेशनल ट्रिप, या ऐसे भी आप कहीं घूमने जा सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, उस समय का आपको लाभ लेना चाहिए। फिर 2 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश बुध आपके दशम भाव में आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी शुभता वाली स्थिति रहेगी। हर एक तरीके से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग निर्मित होंगे। कुछ लोगों का कार्य व्यवसाय बहुत प्रोग्रेस पे जाएगा इस टाइम पीरियड में। कुछ लोगों के प्रमोशन वगैरह पेंडिंग होंगे, वो सारी चीजें इस समय में पूर्ण होंगी। इसी के साथ साथ परिवार के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं। परिवार के अंदर का जो पूरा वातावरण माहौल होता है, वहां पे आपके लिए स्थितियां काफी सपोर्टिंग बन जाएंगी। इसका आपको फायदा लेना चाहिए 2 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई का टाइम पीरियड। हालांकि बहुत छोटा टाइम पीरियड है, फिर भी फायदा रहेगा आपको यहाँ पर। इसके बाद 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा,
आपके लग्नेश बुध आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, इनकम के भाव में आ जाएंगे, ये भी स्थिति अच्छी रहेगी। हर एक तरह से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ इच्छाएं आपकी पेंडिंग रही होंगी, उनकी समय पे पूर्ति होगी, कार्य व्यवसाय में प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी, अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। हर एक तरीके से आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का कार्य व्यवसाय करते हैं वहां आपको सफलता मिलेगी। बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, बच्चों के लाइफ में शुभता वाली घटनाएं होंगी। कुछ लोगों के लिए नए रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, कुछ के बच्चों की स्थितियां बहुत अच्छी स्थिति में जा सकती हैं। शेयर से जुड़ा हुआ जो कार्य व्यवसाय है वहां आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। धन लाभ के योग निर्मित होंगे। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। 16 जुलाई से लेकर के पूरा 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत लाभ देने का काम करेगा। इसके बाद 31 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बुध आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। सबसे पहला काम करना है आपको स्वास्थ्य को लेकर के सजग होकर के रहना है, खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहना है। यात्राएं आपके लिए तकलीफ देने का काम कर सकती है। इसी के साथ साथ जो आपका प्रमोशन है उसमें थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके हो जाए, तो जिन लोगों का फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ कार्य व्यवसाय होगा वहां पे आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। फिर भी स्वास्थ्य और खर्चों का ध्यान रखने की आप लोगों को जरूरत रहेगी, उन क्षेत्रों में आपको थोड़ी तकलीफें मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं 20 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर का जो टाइम रहेगा, 20 अगस्त से 10 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लग्नेश बुध आपके लग्न स्थान में कन्या राशि में खुद आ जाएंगे और यहाँ पर भद्र नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। हर एक तरह से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा क्योंकि लग्नेश अपनी जगह पे आ जाएगा। कार्य व्यवसाय पद प्रतिष्ठा हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। प्रोफेशन में वृद्धि, लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान बनना, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर से लाभ के योग निर्मित होना, व्यवसाय की वृद्धि होना, जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह का डिस्प्यूट रहा होगा वहां आपको एक समझौता होते हुए दिखाई पड़ेगा। बहुत ही शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। लोग आपको जानने लगेंगे, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बन जाना, हर तरीके से आपके लिए शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। इसका आपको फायदा लेना चाहिए। प्रोफेशनल बिजनेस में आपको बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद का जो समय रहेगा 10 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, आपके लग्नेश बुध लग्न स्थान में ही वक्री होंगे, तो ये जो समय रहेगा थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा खर्चों के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति। बाकी इतना आप संभाल लेंगे तो चीजें आपके कंट्रोल के अंदर ही रहेंगी, क्योंकि वक्री होंगे तो थोड़ा सा ये आपके द्वादश भाव से संबंधित परिणाम देना शुरू करेंगे, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर 1 अक्टूबर से लेकर के पूरा 2 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, रात में ही आपके द्वादश भाव में वक्री होंगे सिंह राशि में, और 2 अक्टूबर से लेकर के पूरे 26 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लग्नेश बुध आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। तो 2 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए फिर से बहुत लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि बुध लग्न स्थान में आ जाएंगे तो आपके लिए कार्य व्यवसाय की उन्नति देंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, यात्राओं से लाभ कराएंगे, नेम फेम पद प्रतिष्ठा सभी चीजों में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप इतने बुद्धिमान हो जाएंगे इस समय में कि जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो सारी चीजें आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। विशेष रूप से वो लोग जो किसी तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगे इस समय पे, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। फिर 26 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, आपके बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे तुला राशि में, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 अक्टूबर से 13 नवंबर का आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित करवाएंगे बुध। यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको पैसों का लाभ होगा, जो आपका और पैसे जो आपको मिलेंगे वो आपके व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से मिलेंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है व्यवसाय है उन क्षेत्रों से जुड़ करके आपको लाभ के योग निर्मित करवाएंगे बुध। धन की दृष्टि से काफी अच्छा समय है। आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। अचानक कहीं से धन लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से पैसों का आपको लाभ हो सकता है, तो इस समय का आपको फायदा लेना चाहिए। 26 अक्टूबर से लेकर के पूरा 13 नवंबर का टाइम पीरियड जो है, फिर 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर लग्नेश बुध आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। किस टाइम पीरियड जो आपका रहेगा, थोड़ी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत के द्वारा आप चीजों को अपने पक्ष में करेंगे, भाग्य का पिता का आपको सहयोग मिलेगा, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, ये एक अच्छी चीज रहेगी। जो आपका प्रोफेशन है व्यवसाय है, काफी मेहनत के बाद आप चीजों को प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में आपको मधुरता देखने को मिलेगी।
आपके कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी हो जाएगी, तो जो भी आप गेन प्राप्त करेंगे, जो भी आप लाभ प्राप्त करेंगे, वो अपनी वाणी के द्वारा आपको कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित करवाएंगे बुद्ध यहाँ पर। ये टाइम पीरियड जो आपके लिए रहेगा 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक के करीब रहेगा। इसके बाद 2 दिसंबर से लेकर के पूरा 27 दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके बुध आपके सुख भाव में आ जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा 2022 का लास्ट का टाइम, ये आपके लिए हर एक तरह से शुभता देने का काम करेगा। लग्नेश आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, आपके घर में किसी भी तरह की सुख सुविधाओं की वृद्धि करवा देंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, माता का बहुत ज्यादा आपको सुख मिलेगा। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप खुद ही छुट्टी लेकर के कहीं वेकेशन पे चले जाएं, कुछ आप आराम करने के मूड में आ जाएं, इस तरीके की आपकी मन स्थिति बन सकती है। बुध आपके चौथे भाव में बैठ करके आपके 10वें भाव से संबंध बनाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि देंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ दिलवाएंगे। कुछ लोगों को जॉब वगैरह से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा बुध जब आपके चौथे भाव में रहेंगे धनु राशि में, क्योंकि लग्नेश और कर्मेश होकर के सुख भाव में आएंगे, तो बहुत अच्छा योग बनाएंगे, हर एक तरह से आपके लिए सफलतादायक स्थितियां निर्मित करवाएंगे। परिवार के अंदर कुछ ना कुछ आप सामान खरीदेंगे जो कि आपके लाइफ स्टाइल को बढ़ाने वाली होगी। माता के साथ संबंधों की बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। आपको बहुत सुख मिलेगा इस टाइम पीरियड में, हर एक तरह से आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे। जॉब की चीजें आपके पक्ष में होती हुई आपको मिलेंगी, आप काफी कंफर्टेबल स्टेट में पाएंगे। इस तरीके से 2022 में जो पूरा वर्ष है आप लोगों के लिए, आपके लग्नेश आपको इस तरह से परिणाम दे रहे हैं। अब दूसरे ग्रहों के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरे प्लैनेट्स हैं गुरु शनि राहु और केतु, ये आपको विशेष रूप से प्रभावित करते हैं करने वाले हैं 2022 में, तो इनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु के लिए। देखिए गुरु आपके लिए आपके सुख भाव के स्वामी है और आपके सप्तम भाव के स्वामी है। और जब 2022 शुरू होगा नवंबर 21 में ही, जो भी 2021 चल रहा है 20 नवंबर को गुरु आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो कुंभ राशि आपके लिए 6वें भाव में पड़ रही है। यहाँ से लेकर के पूरा गुरु आपकी 13 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, 13 अप्रैल 2022 तक, थोड़ा आपको सावधानी वाली चीजें सबसे पहले मैं बता दूं, वर्ष के प्रारंभ से लेकर के, या जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी से ध्यान रखें, नवंबर के महीने में आज मैं 19 तारीख को बना रही हूँ वीडियो, 20 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2021 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, आप लोग थोड़ी सावधानी बरतिएगा। सावधानियां किस चीज में रखनी है, अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ किसी तरह का तनावपूर्ण स्थिति नहीं पैदा होने पर इसका आपको ध्यान रखना है। वैचारिक मतभेद हो सकता है जीवन साथी के साथ में। आपके परिवार के अंदर का जो सुख सौहार्द होता है उसमें थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाए, या उसमें थोड़ा सा ऑब्स्टेकल जैसी स्थिति आपको फील हो महसूस हो सकती है। आपकी जो मदर है उनकी लाइफ में काफी मेहनत बढ़ जाए, जो आपका मामा पक्ष है उन लोगों के लिए स्थितियां थोड़ी सी मेहनत वाली हो जाए, या उनकी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस तरह के योग आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए सुखेश है और सप्तमेश है, 6वें भाव में आ रहे हैं। तो 6वें भाव में जब गुरु आते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी का, जीवन साथी के साथ में, लेकिन यही गुरु आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीजें भी देंगे, आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इन चीजों में वृद्धि करेंगे, व्यवसाय में आपको लाभ देने का काम करेंगे, विदेशों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है या अपने जन्म स्थान से दूर जुड़ करके है, उन लोगों के लिए गुरु काफी शुभता वाला टाइम परिणाम देंगे, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। विदेशों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज रहेगी। आपके फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, बहुत अच्छा आपका खान पान हो जाएगा इस टाइम पीरियड में, आपको थोड़ा खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ कुछ पैसों की वृद्धि आपको देख पैसों की वृद्धि धन प्राप्ति होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, ये सारी चीजें गुरु आपको देंगे अप्रैल 2022 तक। कुछ सावधानियां आप लोग रखिएगा, जो आपके कमर से नीचे के नीचे का हिस्सा होता है उन अंगों में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने पाए, उससे रिलेटेड कुछ तकलीफें आपको हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जैसे यूट्रस वगैरह हो गया, इन चीजों का ध्यान रखना रहेगा कि उसमें किसी भी तरह का कुछ परेशानियां हो तो उनको आप लोग नजरअंदाज मत करिएगा, डॉक्टर को दिखा लीजिएगा।
बाकी गुरु आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जॉब वगैरह में शुभता वाली घटनाएं देंगे। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। गुरु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो 7वां ट्रांजिट गुरु का बहुत अच्छा होता है, वहां पे उनकी खुद की राशि मीन है। तो यहाँ पर जब आएंगे गुरु आप लोगों के लिए, आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में बहुत मजबूती आ जाएगी। किसी तरह का उनके साथ में तनाव रहा होगा, वैचारिक मतभेद रहा होगा, वो सारी चीजें आपकी दूर होंगी। व्यापार बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी, ये एक अच्छी चीज रहेगी। हर एक तरीके से गुरु यहाँ पर आपके लिए आपकी इनकम को बढ़ा देंगे। जो भी आपकी ओवरऑल इनकम है, पैसों से संबंधित चीजें हैं, वहां पे आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, आपके अधिकारियों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। गुरु आपके लग्न स्थान को देखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप बहुत पॉजिटिव मोड में रहेंगे, आपके अंदर काफी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक बहुत गरिमा आ जाएगी। आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में पहुंच जाएंगे। उनकी लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित होने लगेंगी। कार व्यवसाय ये सब चीजें आपकी काफी मजबूत होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, आपकी वाणी में बहुत शुभता आ जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। छोटे भाई बहनों की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित होना, उन लोगों के लिए आप काफी सपोर्टिव मोड में आ जाएंगे। और ये भी है कि जिन लोगों का किसी भी तरह का टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। जो लोग किसी तरह के लेखन वगैरह प्रकाशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो लोग कमीशन का काम करते हैं, या किसी भी तरह का आपका व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट का है, या कोई भी आप खाने पीने की चीजों से जुड़े हुए हैं, हर एक तरीके से गुरु आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का टाइम पीरियड करने वालों के लिए काफी अच्छा है। कार व्यवसाय हर एक चीज में वृद्धि देगा। किसी का जो विवाह वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, तो वहां पे भी आपके लिए गुरु आपको अपने पार्टनर के साथ में बहुत बॉन्डिंग, अच्छी मजबूत बॉन्डिंग बनाएंगे आपकी। फिर 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, सप्तम भाव में ही गुरु वक्री होना शुरू होंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिए। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनसे कोई वाद विवाद नहीं करिएगा। जो भी आपका कार व्यवसाय है उसके प्रति थोड़ा सजग हो जाइएगा। पैसे वगैरह वहां पे जो आप लेन देन करते हैं उन चीजों के प्रति थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इसी तरीके से जो भी रिश्ते आपके हैं, बड़े भाई बहन है, या जो भी आपका पड़ोसी पड़ोसी है, छोटे भाई बहन वगैरह है, उन लोगों के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय में आप कोई कर्जे मत लीजिएगा, किसी भी तरह का आप लोन है इस तरह की चीजों को मत लीजिएगा, नहीं तो वो आगे चल करके आप दिक्कत दे सकता है। यात्राएं भी आप जो करिएगा तो बहुत सावधानी के साथ में करिएगा, यात्राओं में आपको दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इसके बाद 24 नवंबर से लेकर के पूरा लास्ट जो टाइम पीरियड रहेगा आपका, दिसंबर 2022 का आखिरी टाइम पीरियड, गुरु आपके सप्तम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। ये स्थितियां फिर से आपके लिए शुभता वाला परिणाम देंगी, कार्य व्यवसाय की वृद्धि कर देंगी, धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगी। आपका जो पूरा व्यवसाय है वो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध, उनके द्वारा लाभ के योग निर्मित होना, उनकी लाइफ में लाभ की स्थितियां निर्मित होना, यात्राएं होंगी जो कि आपके व्यापार में वृद्धि देने का काम करेंगी, ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। जो आखिरी टाइम रहेगा 24 नवंबर से लेकर के पूरा दिसंबर लास्ट तक, वो हर तरह से आपको शुभ परिणाम दे रहा है। पैसों की दृष्टि से भी, संबंधों की दृष्टि से भी, व्यापार बिजनेस, आप जो स्वयं हैं, आपके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर इसका एक अच्छा प्रभाव जा रहा है। सावधानियां क्या रखनी रहेंगी कि जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जैसे वहां पे कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज नहीं आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपने मदर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। हार्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन चीजों का ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे उपाय रखिएगा क्योंकि गुरु आपको लाभ अवश्य देंगे, छिटपुट स्वास्थ्य संबंधी चीजों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जहां जाती है वहां पे चीजों का ये विस्तार कराते हैं, बढ़ाते हैं। तो उन हाउसेस से जो बीमारियां या डिजीज वगैरह हैं उनको ये थोड़ा उभारने का भी काम कर सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पहले से किसी तरह की तकलीफ है, जैसे बहुत से लोगों को पाइल्स होती है, इस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो वो लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में वो सब चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो गुरु आपके लिए कुल मिलाकर के 2022 में लगभग लगभग शुभ परिणाम ही देंगे। सिर्फ 13 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है वहां पे आपको सावधानी रखनी रहेगी। फिर बात करते हैं शनि वालों के लिए।
देखिए शनि आपके लिए बहुत ही अच्छे प्लेनेट हैं, क्योंकि आपके पंचमेश हैं और छठवें भाव के मालिक हैं, तो इनका आपकी कुंडली के लिए काफी योगकारक प्लेनेट है। ये कन्या लगन वालों के लिए बुध आपकी राशि राशि लॉर्ड है, तो यहाँ पर सैटर्न काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं पंचमेश होने की वजह से। इनकी क्या स्थिति रहने वाली है 2022 में, एक बार उसको देख लेते हैं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के जो 28 अप्रैल 2022 का टाइम पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, पूरा अप्रैल ही आप समझ लीजिए 28 अप्रैल तक, जो 4 महीने का समय है आपके लिए, शनि आपके पंचम भाव में ही बैठे रहेंगे। तो पंचमेश का पंचम भाव में बैठे होना बहुत ही शुभ योग निर्मित करवाता है। ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किन क्षेत्रों में अच्छा रहेगा? बच्चों से आपको लाभ करवाएगा, जो लोग ट्रेडिंग शेयर इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां होंगी, गेम वगैरह से जुड़े हुए जो सेक्टर है वहां पे जो लोग कार्य व्यवसाय करते हैं, तंत्र मंत्र अध्यात्म से जुड़े हुए लोग जो इस तरह का कार्य व्यवसाय करते हैं उनके लिए अच्छा करेंगे शनि ये। जो स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन इस टाइम पीरियड में काफी अच्छा रहेगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई आप करेंगे। शनि आपके लिए पंचम भाव में बैठ करके कुछ लोग बच्चों के लिए भी प्लान कर सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं है, हो सकता है इस टाइम पीरियड में कंसीव कर लें। बच्चों की लाइफ में शुभता की घटनाएं घटित होना, बच्चों से संबंधित जितनी चीजें होती है उसमें आपको शुभ परिणाम देंगे शनि। पैसों की वृद्धि कराएंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ की स्थिति निर्मित कराएंगे, सरकार से कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ का योग निर्मित करेंगे सैटर्न पूरे 28 अप्रैल तक का जो समय रहेगा। ध्यान रखने वाली जो चीज रहेगी, थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशन को मेंटेन करते हुए चलिएगा, क्योंकि वहां दृष्टि जाएगी शनि की, तो थोड़ा बहुत ये रिश्तों में उतार चढ़ाव लाने का काम करेंगे, लेकिन व्यवसाय में आपकी वृद्धि देंगे, आय की आपके लिए निर्मित करवाएंगे। और दूसरी चीज क्या रहेगी आपके लिए, कहीं ना कहीं ये पैसों से संबंधित भी शुभता वाली घटनाएं घटित करवाएंगे, परिवार के अंदर पैसों की कुछ बढ़ोतरी होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, वाणी आपकी काफी इस टाइम पीरियड में प्रभावशाली हो जाएगी। सैटर्न आपके द्वितीय भाव को देखेंगे उच्च की दृष्टि से, वहां पे आपकी वाणी काफी धीर गंभीर हो जाएगी, परिवार के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होना, कुछ जेवर वगैरह ज्वेल्स और ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं गोल्ड के डायमंड के या जो भी ज्वेलरीज होती हैं इनका लाभ आपको शनि करवा सकते हैं, पैसे आपके बढ़वा सकते हैं। हर एक तरीके से टाइम पीरियड सैटर्न का आपको लाभ देने वाला रहेगा। अब आपको सावधानी कब रखनी है, 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का जो टाइम पीरियड रहेगा शनि आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो छठवें भाव में जब शनि आएंगे तो शनि का काफी अच्छा गोचर होता है ये ट्रांजिट में जब आते हैं, और आपके लिए ये छठे भाव के मालिक भी हैं और पांचवे के भी मालिक हैं, कुंभ राशि के शनि हो जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं वहां आपके लिए सफलता के योग निर्मित कराएंगे। जितना भी आपका पहले से कुछ चला आ रहा रोग ऋण विवाद शत्रु इस तरह की स्थितियां होंगी उनको ये शनि यहाँ पर आकर के खत्म करेंगे, लेकिन आप कोई नया विवाद नया कर्ज ये सब चीजें आप मत लीजिएगा, नई नया कुछ भी आप प्रयास मत करिएगा, पुरानी चीजों को ये दूर करेंगे। विदेशों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों का थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 7-8वां भाव जो होता है वो अचानक वाली घटनाओं का होता है, आपके लॉस के साइड को दिखाता है, शनि जब वहां पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा आप संबंधों का ध्यान रखिएगा अपने लॉज वगैरह के साथ में, साथ में जितने भी लोग ट्रेडिंग वगैरह का कार्य व्यवसाय करते हैं, क्योंकि आपके पंचमेश भी हैं और आपके 8वें भाव से संबंध बना रहे हैं, तो रुपयों का लेन देन ये सब जो चीजें होती हैं पैसों से संबंधित उसको बहुत देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सडन लॉसेस का भी योग बन सकता है। इसी तरीके से जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में है तो अपने रिलेशन को लेकर के थोड़ा सजग होकर के रहेंगे, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो किसी गलत डायरेक्शन में जा सकता है या वहां पे कुछ आपको तकलीफें मिल जाए, रिलेशंस को लेकर के ध्यान रखना है। बच्चों से संबंधित जो चीजें हैं स्टूडेंट वगैरह हैं काफी ध्यान से पढ़ें, बहुत पूरी जिम्मेदारी से अपने काम को करें, क्योंकि ये जो पूरा रिलेशन बन रहा है 5वें का 6ठे और 8वें का बन रहा है, 5, 6 और 8 का एक कम्बिनेशन बन रहा है, तो ये आपके लिए सडन कुछ लॉसेस या दिक्कतें भी दे सकता है, लेकिन ओवरऑल जो आपको रिजल्ट मिलेगा शनि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव मोड में ला देंगे, काफी आप मेहनत करने लगेंगे, जितने भी कॉम्पिटिशन है चाहे वो पढ़ाई वगैरह से जुड़ करके हो या जो लोग सर्विस कर रहे हैं तो उनका आपस में जो एक कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर होता है वहां पे सैटर्न आपको लाभ देंगे। विदेशों से आपके लिए लाभ करवाएंगे, भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं भाई बहन हैं उन लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कुछ यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं, सबसे बड़ी चीज जो दिख रहा है कन्या वालों के लिए 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून के बीच में आपके लिए कुछ जर्नीज हो सकती हैं,
मोस्ट प्रॉब्ली वो जो यात्राएं होंगी आपकी एजुकेशन से जुड़ करके भी हो सकती है, एजुकेशनल ट्रिप आप लोगों को मिल सकता है, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कुछ विदेश से जुड़ करके होगा वहां से भी आपको लाभ मिलने का योग होगा, इस तरह के योग आपके लिए बनेंगे। फिर 5 जून से लेकर के पूरा 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, वहां पर 120 दिन के लिए पांच जून से लेकर के 12 जुलाई के लिए, जुलाई तक कुंभ राशि में ही आपके शनि वक्री हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड है ये, 5 जून से 12 जुलाई, लगभग 1 महीना 100 महीने का टाइम रहेगा, और ये आपके छठवें भाव में वक्री होंगे। तो ये जो समय रहेगा आपका, थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी, हर एक चीजों के लिए आप थोड़ा सचेत हो जाएगा, अलर्ट हो जाइएगा, किसी के साथ में वाद विवाद मत करिएगा, कोई लिखा पढ़ी वाली जो चीजें होती हैं, किसी तरह का जो कोर्ट कचहरी वाले जो चीजें होती हैं, उन चीजों को लेकर के आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। इस टाइम में कुछ भी आप नई शुरुआत मत कर लीजिएगा, सावधानी के साथ में रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव में जब शनि वक्री होंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने का काम करेंगे। विदेशों से जुड़ा हुआ जो कार्य व्यवसाय है उसको काफी देख परख करके करिएगा। भाई बहनों के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें नहीं होने पाए, उनको उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कतें नहीं आने पाए, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर उनको पहले से चली आ रही कुछ बीमारियां वगैरह होंगी तो उसको आप प्रॉपरली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, ये आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी इस समय पे। इसके बाद 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, आपके शनि आपके मकर राशि में आ जाएंगे। 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। फिर से आपके पंचम के मालिक पांचवें भाव में आ जाएंगे, हर एक तरीके से आपके लिए शुभता देने का काम करेंगे, बच्चों से, संतान से, शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, हर तरफ से आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जाएंगे, कुछ लोगों कि बच्चे वगैरह का कुछ शुभ इवेंट्स हो सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, फ्रेंड सर्कल से लाभ, हर तरीके से आपके लिए लाभ करवाने का काम करेंगे। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होना, कहीं से पैसों की प्राप्ति होना, ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी, कुछ लोग जो पहले से किसी तरह के रिलेशन में है वो मैरिज की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में शादी विवाह के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, ये एक चीज रहेगी। अच्छा टाइम पीरियड रहेगा 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर का समय आप लोगों के लिए, पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं देगा, बहुत अच्छी चीज रहेगी। फिर 23 अक्टूबर से लेकर के पूरा दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लग्नेश्वर मकर राशि में ही वक्री मार्गी स्थिति में रहेंगे, तो ये पूरे वर्ष आपको लाभ देने का काम करेंगे। बच्चों से, ट्रेडिंग से, जो भी स्टूडेंट है उनका पढ़ने लिखने में बहुत मन लगने लगना, इस तरह की स्थितियां निर्मित कराएंगे। तो शनि जो है कन्या लग्न राशि वालों के लिए पूरे वर्ष जो है शुभता वाला ही परिणाम दे रहे हैं। सिर्फ 1 महीने 100 महीने का टाइम पीरियड है जब आपको ध्यान देना है, वहां पर आपको 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, थोड़ी सी वहां पर सावधानी बरतनी होगी। इतना अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए कुल मिला करके ठीक जाने वाला है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं राहु और केतु की। देखिए अभी जो राहु केतु है आप लोगों के लिए आपके भाग्य भाव में है और आपके तृतीय भाव में है। राहु आपके भाग्य भाव में है वृषभ राशि में, केतु आपके वृश्चिक राशि में है तृतीय भाव में। तो ये लोग यहाँ पर रहेंगे पूरा अप्रैल 2022 तक। अप्रैल में इनका राशि परिवर्तन होगा राहु का। 11 अप्रैल को राहु आपके वृषभ से निकल करके आपके मेष राशि में आ जाएंगे। तो जब तक वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक जब तक राहु आपके भाग्य भाव में है, कुल मिलाकर के आपको शुभता वाले रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे ये उच्च की स्थिति में है और आपके लिए शुक्र अच्छा प्लेनेट होता है, तो इस तरीके से इनको राशि लॉर्ड का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है राहु आपको कहीं ना कहीं यात्राएं दे रहे होंगे, विदेशों से लाभ दे रहे होंगे, एजुकेशन से संबंधित कुछ चीजें अच्छी आपके लिए कर रहे होंगे, नेम फेम पद प्रतिष्ठा सारी चीजें देंगे। थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु आपके नवम भाव में रहेंगे 13 अप्रैल तक, और अभी प्रेजेंटली राहु जो है कृतिका के ही नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नवा भाव जो होता है वो सूर्य का है, सॉरी गुरु का होता है, और कारक वहां के सूर्य भी माने जाते हैं क्योंकि पिता का स्थान होता है और राहु वहां पे गोचर में है। तो वो आपको विदेशों से लाभ, एजुकेशनल ट्रिप, ये सारी चीजें दे रहे होंगे, यात्राएं वगैरह करा रहे होंगे, अच्छी स्थिति में है ओवरऑल आपके राहु।
तो जनवरी से लेकर के 11 अप्रैल, लगभग 3.5 महीने का टाइम पीरियड जो है आपके लिए राहु केतु की तरफ से अच्छा है। राहु केतु दोनों अपनी उच्चता वाली दृष्टि में बैठे हुए हैं स्थिति में, तो आपके लिए शुभ परिणाम दे रहे हैं। लेकिन 11 अप्रैल के बाद जैसे ही राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, और केतु आपके तृतीय भाव से निकल करके आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर ये 18 महीने तक रहेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु केतु आपके द्वितीय और अष्टम एक्सिस पे आ जाएंगे, और 8वें भाव में जब राहु आएंगे तो यहाँ पे इनको मंगल की राशि मिल रही है, और इसका लॉर्ड मंगल होता है। जैसे ही राहु प्रवेश करेंगे मंगल में, तो कृतिका के ही नक्षत्र से इनका ट्रांजिट होगा 11 अप्रैल को, जब ये आएंगे वहां पे उनको कृतिका के चरण से निकलेंगे, तो आते से चूंकि 8वां भाव है, अचानक वाली घटनाओं का भाव होता है 8वां भाव, तो एक तो आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, हार्ट वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती हैं पिता का भी ध्यान रखना है, अपने स्वयं स्वयं को भी, अगर आपको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह है, हार्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप लेकर के सावधान रहिएगा। जो भी आप ड्राइविंग करते हैं वहां आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अष्टम में राहु आएगा तो ये अचानक से चोट चपेट, राहु कुछ भी काम सडन करता है, और 8वां भाव है, काल पुरुष की वृश्चिक राशि वहां पे है, और आपके लिए यहाँ पे मंगल की राशि है, तो राशि और मंगल का इनको सपोर्ट मिलेगा। राहु स्वयं भी बहुत ही विस्फोटक प्लेनेट है ये, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जब आएंगे तो कुछ भी सडन इवेंट देने का काम करेंगे। इस वजह से जितने भी कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, 13 अप्रैल के बाद आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होकर के रहिएगा, विशेष रूप से जो आपके सर वाला हिस्सा होता है, किसी तरह का आपको माइग्रेन, सर दर्द, इस तरह की स्थितियां नहीं पैदा होने पाए, आपको में कोई तकलीफ नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बातचीत का जो आपका तरीका है उसको बहुत संयमित रखिएगा, कोई भी निर्णय लीजिएगा बहुत देख परख करके लीजिएगा, आप अचानक से कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा, बहुत अपने आप को कूल, बहुत बहुत ही संभाल करके आपको आगे बढ़ना है। राहु जो है यहाँ पर 18 महीने के लिए रहेंगे, तो ये पूरा टाइम पीरियड आप लोग बहुत सावधानी के साथ में चलिएगा, हमेशा वो खराब परिणाम नहीं देंगे, लेकिन एक मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि अष्टम से राहु का ट्रांजिट है, तो ये सडन इवेंट दे सकता है, मंगल की राशि है, तो कोई भी ऐसी चीज, चोट चपेट, आगजनी वाली चीजें होती हैं, अचानक से कुछ विस्फोट होना, या जो भी लोग फायर ब्रिगेड वगैरह में काम करते हैं उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत होगी, ड्राइविंग करने वाले लोगों को, किसी तरह के रिसर्च के फील्ड में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग अपनी थोड़ा सावधानी रखते हुए आगे बढ़िएगा। हालांकि ये राहु आप लोगों के लिए विदेशों से लाभ निर्मित करवाएंगे, परिवार के अंदर सडन कोई भी इवेंट्स दे सकते हैं, पैसों की प्राप्ति, पैसे पैसे अचानक देना, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होना, ये सारी चीजें आपके लिए राहु करवाएंगे। इसी के साथ साथ आपके जो परिवार का अंदरूनी सुख होता है, जो फैमिली का पूरा इंटरनल एटमोसफियर होता है, वहां की चीजों के प्रति आप थोड़ा सा बहुत सावधान होकर के रहिएगा, अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, आपके परिवार के अंदर का जो सुख होता है वो नहीं डिस्टर्ब होने पाए, तो आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना हो, कुछ भी आप ऐसा बोलिएगा मत, ऐसी कुछ भी हरकतें आप मत करिएगा जिससे आपके परिवार के अंदर की सुख शांति भंग हो। इस तरीके से राहु आपको आने वाले वर्ष में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूर है कि ये आपको सडन फाइनेंस रिलेटेड अचानक लाभ भी दे सकते हैं, और सडन ये लॉसेस भी करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ही आपके लिए कृतिका नक्षत्र से निकलेंगे, फिर ये शुक्र के नक्षत्र से, उसके बाद केतु के नक्षत्र से जाएंगे, तो पूरा जो 18 महीने का टाइम है राहु के लिए कुल मिलाकर के थोड़ा आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, इस पूरे टाइम पीरियड में आप लोग खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत चीजें आप मत करिएगा, बातचीत अच्छे से करिएगा, केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, और जो भी बोलिएगा सोच समझ करके बोलिएगा, बिना सोचे समझे आप कुछ भी बात मत करिएगा, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। अब क्या क्या रेमेडीज करें कि 2022 आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट दे, आपके लिए शनि गुरु राहु केतु में जो सैटर्न है वो लगभग अच्छा ही रिजल्ट आपको दे रहे हैं, गुरु के लिए थोड़ा आपको रेमेडीज करने की जरूरत है, और राहु केतु के लिए सबसे पहले मैं राहु केतु का ही बताऊंगी, आप लोग चाहे तो अभी से कर सकते हैं या 11 अप्रैल 2022 के बाद भी आप कर सकते हैं। एक तो आप शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन, विशेष रूप से शनिवार को, या कभी कभी आप अमावस्या को भी नारियल लेकर के अपने सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बर्ड्स के लिए आप खाने पीने की चीजें, दाना जो होता है उसको रखिए, पानी रखिए, देवी की उपासना कर सकते हैं, शिव के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव की उपासना कर सकते हैं, इससे आपका राहु काफी कंट्रोल रहेगा। गरीबों को आप कंबल वगैरह दान देते रहिए। केतु के लिए आप केतु की सेवा करिए, गणेश भगवान की पूजा करिए, ये छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो आपके राहु केतु काफी बैलेंस्ड स्थिति में रहेंगे।
गुरु के लिए आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, गुरुवार के दिन कम से कम केसर का तिलक आप अपने नाभि स्थल पे लगा सकते हैं, पीले कपड़े पहन लीजिए, गुरुओं का थोड़ा सम्मान करिए, गुरुओं को आप गेरुआ कलर के वस्त्र दान कर सकते हैं, जितने भी गुरु लोग हैं उनका सम्मान करिए। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे राहु केतु और गुरु के लिए, तो कन्या वालों के लिए और राशि लग्न दोनों के लिए वर्ष 2022 जो है कुल मिलाकर के आपके लिए बच्चों से संबंधित व्यापार इनकम इन सारी चीजों को बढ़ा रहा है। बच्चे, ट्रेडिंग, व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, धन की स्थिति, ये सारी चीजें 2022 में कन्या वालों की मजबूत होने जा रही हैं। सावधानी आप लोगों को सिर्फ एक चीज की रखनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी जो सडन होने वाली चीजें होती हैं, क्या आप बिल्कुल अच्छे हैं और अचानक से कुछ आपके साथ अनहोनी घट गई, सडन जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके प्रति आप लोगों को 2022 में सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। विशेष रूप से अप्रैल 2022 के बाद से पूरा वर्ष जो है अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो 2022 आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के शुभताला परिणाम देगा। एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए लोगों को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयां देती हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए हर एक तरीके से मंगलमय हो और बहुत ही शुभता भरा वर्ष हो, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो। साथ में रिक्वेस्ट करूंगी अपना सपोर्ट इसी तरीके से बना करके रखिएगा, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं मेरे वीडियोस को देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्को प्रेस करके रखिए, इसमें कोई वीडियो डालो तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।